तो ये एनसीईआरटी के लिख सकते हो। एक कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टिपिकल मतलब डेरिवेशन है बस। टेम्परेचर ऑफ सन देखते हैं। देखो सन के टेम्परेचर के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सन का रेडियस है मान लो कैपिटल आर, ठीक है, सन लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर, सन का टेम्परेचर इज टी, सन अपने आसपास स्फीयर की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर रहा है, सन एनर्जी को एमिट कर रहा है अपने आसपास, और अर्थ तक मान लेते हैं उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो सन का अगर टेम्परेचर टी है, सन अपने अंदर से कितनी एनर्जी बाहर निकालता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। और अगर सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होगा तो ई में एंड में 1 पुट कर देंगे इसे। तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आ गया। एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है, पावर, और सन का एरिया कितना है, 4π बड़ा आर का स्क्वायर। तो पावर ऑफ द सन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पावर ऑफ सन आ गई। अब एक कांस्टेंट डिफाइन किया एस, जिसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट होता है पी पावर ऑफ सन डिवाइडेड बाय कितने एरिया में एनर्जी जा रही है, कितने एरिया में एनर्जी जा रही है, 4π स्मॉल आर का स्क्वायर। तो कितने एरिया में एनर्जी जा रही है, 4π स्मॉल आर स्क्वायर। तो सोलर कांस्टेंट क्या होगा, पी डिवाइडेड बाय 4π स्मॉल आर का स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा सोलर कांस्टेंट। तो इस पावर को उठा के यहां पुट कर दें इसके ऊपर, ये पुट किया, 4π से 4π कैंसिल, टेम्परेचर वाली टर्म्स लेफ्ट की तरफ, बाकी टर्म्स राइट की तरफ, और टेम्परेचर क्या आएगा, राइट साइड पे 1/4 हो गया, तो ये टेम्परेचर आ गया। यहीं तक प्रूफ करना है, फिर एंड में लिख लेना है ऑन पुटिंग ऑल दी वैल्यूज। हम ये मानते हैं कि सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो 1, और बाकी वैल्यूज को पुट करके जो हमें पता नहीं है, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द सन जो होता है 5800 केल्विन या 6000 केल्विन के आसपास आता है। तो ये जो है बस ये डेरिवेशन है, रिजल्ट है, सोलर कांस्टेंट की फॉर्म में आपने कैसे टेम्परेचर निकालना है, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद हम ना 143 नंबर असाइनमेंट शायद कर रहे थे, उसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ मैंने बताया था, हम बाद में करेंगे।